IBN 7 Horsefly. मोदी की राह चले मुलायम, अपनी सरकार को लगाई फटकार, मंत्रियों की खींची नकेल, अफसरों को चेताया, कहा टाइम पर पूरा करो प्रोजेक्ट। योजनाएं तो बहुत चल रही लेकिन काम स्लो हो रहा है। मंत्री खुद के मंत्री बन जाने का वहम न पालें, भ्रष्टाचार पर कसें लगाम। ये बहुमत की सरकार है तो फिर दिक्कत क्यों? अफसर बताएं कब पूरे होंगे प्रोजेक्ट, योजनाओं के शिलान्यास के साथ ही तय करें उनके खत्म होने का वक्त। मुलायम ने दी ताकीद, अगर वक्त रहते काम न किया तो जनता नहीं करेगी इंतजार। जनता भी इंतजार नहीं करती, बहुत सावधान हो गई, समझदार हो गई, वो सब देख रही कि काम तो हमारे यहाँ योजना है। देखिए मोदी की राह मुलायम। तो इंडिया 9 बजे में आज की बड़ी खबर, क्या मोदी की राह पर अब चल पड़े हैं मुलायम सिंह यादव, तभी तो अब उत्तर प्रदेश में भी लक्ष्य निर्धारित होने लगे हैं। जी हाँ, योजनाओं की समय सीमा यहां तक कि तारीख तय करने की बेचैनी भी साफ नजर आ रही है। दरअसल मुलायम की इस बेचैनी की वजह है विधानसभा चुनाव में बचा बस अब पंकज ढाई साल का जो वक्त है। जी हाँ बिल्कुल, और लोकसभा चुनाव में पार्टी का हश्र नेताजी देख चुके हैं, लिहाजा कह दिया है अपनी ही सरकार को कि वक्त से पहले काम पूरा करो वरना जनता तुम्हारे काम का इंतजार नहीं करने वाली है। जी हाँ, लेकिन नेताजी ने मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि मोदी उनकी पुरानी नीतियों को ही तो कॉपी कर रहे हैं। We are extremely confident that we will be in a position to deliver the project in 24 months. मैं खुश हूँ कि बहुत योजना चालू हुई है, चुनाव घोषणा पत्र जो लिखा है वो मुख्यमंत्री ने पत्र की योजना बनाई है, ये सच है, ऐसे दो राय नहीं है। ये योजना पूरी कोई दिखाई नहीं दे रही, कब होगी योजना पूरी? मुलायम ने अपनी ही सरकार पर छोड़े व्यंग के बाण, अखिलेश सरकार पर खूब कसा तंज, मंत्रियों को लगाई फटकार तो अफसरों को की ताकीद। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह का ये गुस्सा उस वक्त फूटा जब रविवार को वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट 15,000 करोड़ के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे। मुलायम ने कहा कि पहले ये तय करें कि योजनाएं कब खत्म होंगी, तभी वो शिलान्यास करेंगे। मुलायम ने अखिलेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश राज में योजनाएं तो बहुत शुरू हुई हैं, उन पर काम भी चल रहा है लेकिन काम स्लो है, उसमें तेजी लाने की जरूरत है। मुलायम ने तंज कसते हुए कहा कि आजकल उन्हें उद्घाटन करने का मौका ही नहीं मिल रहा। हमें उद्घाटन की तारीख का पता चले तो बहुत बहुत धन्यवाद, उनका स्वागत आरी माला पहना दें, क्योंकि आपने योजनाएं बहुत चलाई सरकार ने, अच्छी योजनाएं हैं, काम बहुत शुरू है लेकिन बहुत स्लो है। मोदी के अंदाज में मुलायम न सिर्फ अपने मुख्यमंत्री बल्कि तमाम मंत्रियों को भी चेता रहे हैं। मंत्रियों को तो उन्होंने सीधे कहा कि अपने दिमाग से मंत्री बनने की बात निकाल दो, काम करो, संगठन को मजबूत करो, जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है तो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरो वरना जनता किसी को नहीं बख्शती। कब होगी न पूरी, ये बताए मंत्री बैठे हैं और मंत्री अधिकारी बैठे हैं, काम स्लो है या कहाँ कमी है तो हमसे कह भी सकते हो। हालांकि मुलायम मोदी की तर्ज पर मंत्रियों से लेकर अफसरों तक को ताकीद तो दे रहे थे, काम वक्त पर और उससे पहले पूरा करने को कह रहे थे, मंत्री पद के वहम में न रहकर संगठन को मजबूत करने की बात कह रहे थे, लेकिन इस मौके पर नेताजी ने मोदी पर भी निशाना साधा, मोदी पर उनकी नकल करने का आरोप लगाया, कहा कि उन्होंने तो 90 के दौर में ही गंदगी हटाने और टॉयलेट बनाने की मुहिम शुरू की थी। अब ये मेरी प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं तो ये मैं 90 में कर चुका हूँ। शौचालय कितने जरूरी हैं? अगर गंदगी दूर कोई करना चाहता है, बार बार गंदगी गंदगी गंदगी, तो गरीबी दूर कर दो, गंदगी खत्म हो जाएगी। इससे पहले अखिलेश सरकार ने आईटी सिटी और मेडी सिटी की भी शुरुआत की है, लेकिन मुलायम का साफ कहना है कि वो कब पूरे होंगे क्योंकि वक्त सिर्फ 2.5 साल का बचा है। मुलायम के सवालों और उनकी नाराजगी को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश ने हमेशा की तरह एक बार फिर ये कहा कि
कि पार्टी सुप्रीमो जो भी कहेंगे उसे पूरा किया जाएगा। आपका भी सीनियर है कोई क्या नहीं है सीनियर? आपके सीनियर बड़े प्यार से आपसे बात करते होंगे। नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जैसे निर्देश देना चाहें दे सकते हैं और सरकार उस पर अमल करती है, इसमें गलत क्या है? दरअसल मुलायम सिंह यादव बेचैन है। सियासत के पुराने खिलाड़ी मुलायम को पता है कि 2017 में चुनावों से पहले अगर हालात नहीं सुधारे गए तो लोकसभा वाला हश्र हो सकता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी की 74 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी सिर्फ 4 सीटें, वो भी परिवार की। मुलायम की हड़बड़ाहट और उनकी खिसियाहट वाजिब है, तभी तो वो कभी मंत्रियों पर नकेल कसते हैं, कभी लैपटॉप को हार की वजह बताते हैं। तो अब उन्होंने योजनाओं को समय रहते और समय से पहले पूरा करने की ताकीद दी है, या यूं कहें कि मुलायम ने सरकार के लिए मोदी अलर्ट जारी किया है। इसलिए वो अब कह रहे हैं कि योजनाओं के ब्लूप्रिंट से काम नहीं चलने वाला, जनता को काम दिखना चाहिए। अब चुनौती अखिलेश सरकार के सामने है। कि क्या वो बचे हुए 2.5 साल में इन योजनाओं को पूरा कर पाएगी। मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7।